सर सवाल सही अच्छा मुझे मुझे एक सवाल पूछना है अच्छा मुझे तो हो इमरान खान के बारे में पूछ रहे हैं इमरान खान के बारे में कोई पहले ये पूछिए सर उसके बाद पूछिए खाते खाते ये कहता ना पतोटा मुझे OCトム से सर पहले इस सवाल का जवाब देंगे ना जी सब उसके बाद आगे बढ़ेंगे सवाल क्वेश्चन सर अच्छा स्टार्ट करिए क्वेश्चन तो थे ना सर 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 क्वेश्चन होगा टाइम फ्राइज सर तुझ क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन का सर क्या नवाज़ खान नाजी बतौर आज़ाद रुकन गिलगित बल्दिस्तान इसम्बली गिलगित बल्दिस्तान में अगर दीगर जो जमातें तब्दीली की तब्दीली लाना चाह रही हैंतमाद के ज़रिए तो क्या उस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे अगर बनेंगे तो क्यों बनेंगे और अगर नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे आपने आज़ाद रुकन इसम्बली भी कहा और तीस साल बाद भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं जनाब अली की आप किस नज़रिए के हैं तो मैं बस इसके बारे में मैं क्या कहूँ देखें मैं इस सिस्टम को तस्लीम नहीं करता बर्दाश्त करता हूँ बर्दाश्त और तस्लीम में बहुत बड़ा फर्क होता है मेरे नाकदीन ये कहते हैं कि तस्लीम नहीं करते हो तो इसम्बली में क्या करते हो तारीख़ में कितनी चीज़ें मैं मज़हब के अंदर और दूसरी चीज़ों में दिखाऊँगा कि जिन्हें बर्दाश्त किया गया है तस्लीम नहीं किया गया है अब दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर बड़े लोगों ने बर्दाश्त किया है तस्लीम नहीं किया है मैं मजहमती सियासत करता हूँ इस मजहमती सियासत में सिंपल ये कहूँगा जिस किसी को भी गिराना है मैं साथ हूँ बनाने में मैं साथ नहीं हूँ बुनियादी बात यह है अच्छा गिराने में अदम में जिसके जो भी आएगा जो भी आएगा और जिसके खिलाफ भी करना है मैं तैयार हूँ जो हुकूमत बनाया जाएगा उसमें मैं नहीं हूँ तो गिराने में आप क्यों तैयार हैं सर किन वजूहत जो है? भी आएगा जो नया बनाएंगे उसको गिराने के लिए फिर तीसरा आएगा तो यह मेरी मजामत है यह मेरी अपोजिशन है यह मेरी मुखालिफत है मैं इस सिस्टम को डी स्टेबलाइज करना चाहता हूं और जिस हद तक मैं कर सकता हूं करता रहूंगा। जहाँ नहीं कर सका मेरी बस नहीं पहुँची तो बर्दाश्त करूंगा तो ये सिस्टम क्या गिलगित बल्तिस खिलाफ है आप कितनी जनाब हाली आज आहिस्ता आिस्ता हमारी बातें तो सामने आती गई ना सामने आती गई हमने कहा जनाब अली गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की कॉलोनी है पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है तो उस पर तो हमें कहा जाता था चौबीस सलीफ हम पर लगाते थे कि तुम जो है पार्कि, एंटी पाकिस्तान हो आज पाकिस्तान के वज्रजम ने खुद ये नहीं कहा जनाब अली की चौदह अगस्त और तेईस मार्च जो है हम वैसे ही मनाते हैं हिंदुस्तान आजाद है हम तो आजाद नहीं है कहा ना तो उससे इतनी बड़ी बात तो मैंने भी नहीं कही कही है और इसी तरह जिस तरह अगर पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी हो सकती है तो आपका क्या ख्याल है गिलगित पाकिस्तान की कॉलोनी तो क्या बदतरीन गुलाम नहीं है नहीं। आप कैसे कह सकते हैं जनाब अली की इस सिस्टम को मैं मानूँ मैं नहीं मानता अच्छा साहब आपने प्रेडिक्शन की थी एक साल पहले कहा था कि में खान को मुश्किल का सामना होगा वो सच साबित हुई आइंदा कि क्या होने वाला एक तो और प्रेडिक्शन अभी पूरी होने तो वाली है मैंने बजट इजलास में जो है मैंने तकरीर की थी कि आप लोगों का ये जो बजट का अंदाज़ है ये आखिरी साल का बजट लगता है हो सकता है जून से पहले पहले ये हुकूमत चली जाए ये खतूत पहले से आते रहे इमरान खान सदर वज्रजम बनाते हुए भी खत आई थी ये ख़त हमेशा चलते रहते हैं ये हमेशा से चलते रहते हैं और ये सुपर ये उन्नीस तो हमने तो यही कहा ना कि उन्नीस से, से ही ये गुलामी में है और उन्नीस सौ सैंतालीस से, से अमरीकन ब्लाक के अंदर है और ये अमेरिकी खदमत के लिए ये जो अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान ने लड़ा है तो अमेरिकी खदमत के लिए लड़ा वो तो इस्लाम की जंग नहीं थी तो उस वक्त भी हमने कहा कि ये इस्लाम की जंग नहीं है तो लोगों ने कहा है यह मुसलमान नहीं है अच्छा सर ये अबूरी आईनी शोबे का जो मामला है इसको अब आप हाँ देखते हैं जो छेड़ेगा तो इस इशू को जो छेड़ेगा उसका हशर वहीं होगा जो इमरान खान का हुआ है उससे पहले बेनज़ीर नवाज शरीफ जनरल ज़िया मोहम्मद खान जो जिन जिनका हुआ है ऐसा ही होगा तो क्या तो इसमें इस कोई गैर मुल्की ताकतें गैर मुल्की नहीं है हक हक है हक हक हक, हक, है।, हक, हक है कि ये ये इस इलाके को जो है बदनीति की बुनियाद पर कहीं लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुदरत राज नहीं होती है ये बदनीती है इस इलाके को दबाने की ये कोई नकनीति पर शोबे नहीं बना रहे अच्छा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है गिलगित में ये जो कुछ हो रहा है, या वर्ल्ड आर्डर है या ग्रेट गेम है इसके पीछे ये वर्ल्ड आर्डर ग्रेट गेम क्या आपको इसके बारे में कोई तफसी मालूम है आ, बहुत सारी बातें ऐसे आधी बात करने से वो मतलब समझ नहीं आती है लोगों की ठीक है आदि बात करने से पूरी बात करना शायद आपकी इस प्रोग्राम का जो है वो मुतहमल ना हो सके और दूसरी बात यह है जनाब वाली कि हमारे माशरे के अंदर सियासी शूर का इतना बड़ा फगदान है कि माशरे की अक्सरियत जो है वो एक्चुअल नज़रियातीबान समझती भी नहीं है उसको खुल के कहना पड़ता है या प्यार करना पड़ता है या गाली देना पड़ता है तो लोग समझते हैं कि इसने ये कहा आ, 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 बीच की बात लोग समझने के लिए भी समझने से भीसिर है तो लिहाजा इस चीज़ को न छेड़े यह मेरे मख्तल किस्म के इशूज़ पर मैंने आपसे बात की है तो उससे ही ले लें वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबलाइजेशन uh, और दूसरे जितने भी सुपर पावर की चीज़ें हैं ये एक टाइम के लिए नहीं होती है ये हमेशा चलती ही रहती है और गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनल uh, uh, जो गेम है इसका फल क्रम मैंने बारहा कहा है मरकज ये है वजराजम बनने का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद चूँकि हमारे लोग जो है वो उसमें तो है ना ये रजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के में साथ तो देते हैं ना लेकिन अकतदार तक पहुँचने के लिए जिन सीढ़ियों की ज़रूरत है जिन बैसाखियों की ज़रूरत है वो शायद इमरान खान को अब मैसर न हो बाकी ये पॉपुलर लीडर बनेगा तो आप क्या समझते हैं इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की क्या वजूहत इमरान खान इमरान खान के इमरान खान के, के खात्मे की एक तो बुनियादी वजह ये थी जनाब वाली की आ, ये इसको जो है आप क्या कहते हैं ये डिलीवर डिलीवरी जो है ना इसकी नहीं हो सकी इसने मुल्क को बिल्कुल तबाह मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक्चुअल अमेरिकन मफादात का तहफुस इमरान खान कर सकता था और उसकी टीम कर सकती थी क्योंकि सी पैक के खिलाफ तो इस आदमी को लाया गया था और नवाज शरीफ को जो सजा दी गई है वो करप्शन की नहीं बल्कि सी पैक की वजह से दी गई है अब दो दो दो। सी पैक के मामले में पाकिस्तान को माशी तौर पर काफ़ी हद तक कमज़ोर करने के मामले में तो इमरान खान की टीम ने काम की है उसमें तो कोई शक नहीं है अब वो भी एक हद पर जाकर जो है उनके लिए नुकसानदह साबित हुआ तो उसको तो तब्दील करना था अब दोबारा इसको तब्दील कर दिया अब नए लोग जो आए हैं उमीदी लोग बड़ी करते हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इसकी वजह यह है कि अमेरिकन जो है किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है ये उसके बाद सर्द जंग के बाद अमेरिकन पाकिस्तान रियासत के खिलाफ है तो इस वजह से मसाइल पैदा होंगे अच्छा आप समझते हैं कि ये चाइना के पाकिस्तान चाइना चूँकि पाकिस्तान के करीब है, है यारी है और सी सिपुर की वजह से तो इस वजह से शायद अमेरिका जो है तो जाहिर है ये तो साफ सुथरी सी बात है ये पूछने वाली बात ही नहीं है देखिए जी मैं आपसे गुजारिश करूं कि 1947 में गिलगित आज़ाद हुआ वो तो हमने कहा जनाब अली कि इसने ये डंडे से मारा तो उसने कुलाड़ी से मारा उसने इससे मारा किसी ने कुछ नहीं मारा था वो ब्राउन साहब ने मारा था उस वक्त जो है गिलगित को काट के पाकिस्तान में शामिल करना था और दिल्ली और मॉस्को का रास्ता काटना था का अब बीजिंग और कराची का रास्ता काटना है ग्वादर का रास्ता काटना है तो उसके लिए फिर यहाँ एक और गेम होगी तो यह तो पहले से हम कहते चले आ रहे हैं इसी गेम का ही हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान जग्राफिया तौर पर सबसे अहम मुल्क है इस वजह से यह रगड़े में है बेचारा अच्छा इस हुकूमत की की एक जो एक साल 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 जो डेढ़ अगर क्या देखते हैं आप ये हुकूमत एक साल तक होने से बिल्कुल न होकर ऐसे ही रखा जाता है तो बहुत अच्छा होता इस हुकूमत के आने से तबाही फैल गई है ये एक मनहूसियत है जितनी जल्दी हो सके इस मनहूसियत से जान छुड़ानी है तीन सौ सत्तर को कहाँ लगे हैं पी एच डी पी में आपके और जो कोई काम कुछ करते हैं ना उनके दावे भी थोड़े से छोटे होते हैं मैं वैसी ही मुखालिफत में ये बात नहीं करता में वो खालिद खुर्शीद के साथ मेरा कोई ऐसी कोई बात नहीं है इस साल देखिये मैं आपको बताऊँ तीस साल से मैं मज़ाती सियासत में हूँ मुझे एजेंसी मेरे, मेरे खिलाफ एजेंसियों का रेट वारंट भी निकला हुआ है मैं जेलों की थानों के और पता नहीं क्या क्या मुसीबतों से मैं गुजरा हूँ मुझे इतनी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी जितनी खालिद खुर्शीद ने एक साल में मुझे दिया है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है और यही शिकस्त मुझे नहीं दिया पूरी अपोजिशन को दिया है अच्छा, शिकस्त से मुराद ये है जनाब गालिब हमें नाकाम करने की कोशिश की सियासी तौर पर हमें जो है लोगों लोगों के से जुदा कर मतलब हम काम नहीं कर सके ना हमारा काम नहीं निकला ना काम कोई हमारा जाति तो नहीं है आपको पता है मेरा कोई जाति काम नहीं होता है, तो है मुण, मुण, पब्लिक का काम और पब्लिक का क्या एक कलवट नहीं बनी है तो क्या करें यार एक कलवट नहीं बनी है और फिर मैं आपको कहूँगा कौ, कौ, ये अभी इनकी हुकूमत आई है ये शहबाज शरीफ साहब की तो मैं तो तारीफ नहीं करता मैं पहले भी कहूँ इमिया साहब के बारे में भी कहता पुनियाल के तीस किलोमीटर के अंदर तीन आर ब्रिजेस हफीज उरहन के ज़माने में बने हफीज़ुररमान के साथ मेरा अख्तलाब रहा महीनों तक हम बातें नहीं किया आपको खुद पता है इसम्बली के अंदर हमारे झगड़े होते रहते थे सारी चीज़ें लेकिन इसके बावजूद भी मेरे इलाके में अच्छा काम हुआ और इस एक साल के दौरान एक कलवट नहीं बनी है जो उसका गजर रोड था वो तो हमने बड़ा फसाद डाल के वो जिस तरह हमने लाया है वो तो एक अलग कहानी ये तो सी का हिस्सा था ये तो पहले से था ये तो हमने जो फसाद जो तीन सौ सत्तर वाले में जो गैदर को जीरो किया तो हमने रियासत के खिलाफ बातें कीजिए जिसका रिजल्ट ये था कि जनाब अली कुछ अभी तक टेंडर पे आया है तो इस पे भी काम होगा तो ये तो एक रेगुलर हुकूमत पाकिस्तान का काम है वो अपनी जगह पर लेकिन खालिद खुर्शीद की हुकूमत का कोई एक आध पैसे भी मेरे हलके में अभी तक नहीं लगा है क्या लगाया वो ए, मतलब नहीं चाहते तो हमें हम, आ, आ, इस के अंदर हमें, हमें, हमें माइनस कर दिया नहीं दिया हमारा हक है हम नहीं दे सकते हैं जाओ कहा अच्छा ये अब इमरान खान की चेंज हो गई है शहबाज शरीफ की आई है क्या समझते हैं कि जो ये ये दुब दुब बहुत सा... बड़ा सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है देखिए मियां साहब के ज़माने में भी सी के ज़रिए से बहुत ज़्यादा पैसे लाकर पाकिस्तान में तरक्की हुई है अब चाइना उस हिसाब से खाम खा में तो पैसे देगा नहीं और अमेरिका लेने नहीं देगा अमेरिका की भी एक अजीब व पाकिस्तान के ऊपर एक जुल्म है जनाब आली कि तुम किसी दूसरे से पैसे लो भी नहीं और हम देंगे भी नहीं मसला आ, मलेरिया के मरीज़ के लिए जिस तरह कोनेन की ज़रूरत है इसी तरह पाकिस्तान के लिए तीस पैंतीस अरब डॉलर की जरूरत है।, है ये तीन तीस पैंतीस अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान को दे सकता है लेकिन अमेरिका लेने नहीं देता और अमेरिक पाकिस्तान के हुक्मरान कहे जाना वाली ये नहीं तो आप दे दे तो वो देने के लिए तैयार नहीं है और वो कहीं से जो है एक दो अरब डॉलर की शक्ल में जो है वो ज़िंदा रखने की वो करता इसकी इसी, इसी वजह से तो ये महंगाई आसमान पर गई है इसी वजह से तो परेशानी आसमान पर गई है पाकिस्तान के लोगों लोगों की और क्या वजह हो सकती है और चूँकि एक डिफेंस का मुल्क है ये सिक्योरिटी स्टेट है इसमें डिफेंस के लिए बड़ा बड़ी रकम चाहिए होती है तो इतना बड़ा डिफेंस भी चलाए और इतनी बड़ी आबादी जो बेतहाशा आबादी हमारी बनी है बाईस करोड़ की तो इन सब को भी पाले मुश्किल तो मुल्क को है ना जी आगे क्या होगा आगे देखे जो भी होगा अल्लाह जिंदगी दे दे तो सब पता हो जाएगा आप क्या कह सकते हैं हाँ आपकी क्या प्रेडिक्शन है मेरी प्रेडिक्शन तो ये है जनाब अली आलिक इंटरनेशनल ये जो गेम चली है तो ये रुकेगी नहीं मेरे ख्याल में आगे चलेगी और इसमें हम काफ़ी मसाइल के शिकार है पाकिस्तान में दिखे से। तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा फ़ायदा नुकसान, नुकसान क्या फर्क क्या ये पड़े अच्छा अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में फ़र्क पड़ता है तो पाकिस्तान की वजह से गिलगित में फ़र्क न पड़े ये तो मुमकिन ही नहीं है ना यहाँ फ़र्क तो पड़ेगा क्या बजट बजट हमारा में पहले तो हुकूमत तब्दील होगी जो है वो वोदे तब्दील होंगे और उसके बाद उसके बाद मेरे ख्याल में मेयर सब लोगों की आदत इस तरह की नहीं है कि डेवलपमेंट साइट पर किसी पर ुम करे या अपोजिशन के साथ कुछ करे, करे। मेरे ख्याल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड में मुझे ये इंसाफ थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन ये तो हमने खालिद खुर्शीद के बारे में भी कहा था लेकिन बाद में सही साबित नहीं हुआ फ़िलहाल सर दस्ते में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लोग इतने ालूम नहीं हैं इस मामले में थैंक यू थैंक यू बड़ी मेहरबानी थैंक यू